खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां संविधान दिवस के मात्र 3 घंटा पूर्व रात्रि में तकरीबन 9 बजे सदर SDO ने बहुजन समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा झारखंड राज्य की 23वां स्थापना दिवस एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में पलामू प्रमंडल के आदर्श महापुरुष राजा मेदिनी राय एवं शहीद वीर सपूत नीलांबर पीताम्बर की लगाई गई प्रतिमा के समक्ष संविधान बचाओ मोर्चा के 2 व्यक्तियों को बंधक बनाकर तीनों महापुरुषों की मूर्ति को हटा दिया जाता है, जबकि SDO का कहना है कि समन्वय के साथ हटाया गया है। यह सरासर गलत है, क्योंकि मोर्चा के दोनों व्यक्तियों ने स्पष्ट लिखित मांग किया है कि तब तक इस प्रतिमा को नहीं हटाया जाए जब तक समाहरणालय परिसर के पार्क में इन महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण कर नहीं दिया जाता है। परंतु सदर SDO ने जिस तरह से महापुरुषों की प्रतिमा पर बुलडोजर चलाया है, इसे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वे राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में आकर उनके द्वारा इस कार्य को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले, संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले संविधान बचाओ यात्रा सह सदर SDO मेदिनीनगर के द्वारा बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित करने के विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, झारखंड क्रांति मंच, भीम आर्मी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद सभी संगठन से हजारों की संख्या में कचहरी परिसर सदर SDO कार्यालय के समीप जहां पर प्रतिमा का अनावरण किया गया था, स्थल पर पहुंच कई गगनभेदी नारों सहित कई वक्ताओं ने सदर SDO द्वारा मूर्ति हटाए जाने की घोर निंदा की। तत्पश्चात संविधान बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो जेल हाता होते हुए शहीद समाज चौक, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में भारत माता चौक कर दिया गया है, वहाँ भारत माता की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बात की तीखी भर्त्सना की गई कि भारत माता प्रतिमा के हाथ में तिरंगा झंडा न होकर भगवा झंडा का होना एवं भारत माता के पीछे भारत का नक्शा न होकर बाघ का मूर्ति होना, मनवादियों की इस घिनौने हरकत को भी घोर विरोध एवं निंदा किया गया। सदर अस्पताल चौक स्थित भारत के गौरव पुत्र वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी गई। आगे बढ़ते हुए संविधान यात्रा अम्बेडकर पार्क स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद शमुहान चौक स्थित आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई तथा वहीं पर एक भव्य सभा का आयोजन भी किया गया। बहुजन समाज के विभिन्न संगठनों के वक्ताओं द्वारा सदर SDO के कृतियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई व मांग की गई कि यदि एक सप्ताह के अंदर हमारे महापुरुषों की प्रतिमा को पुनः स्थापित नहीं की जाती है तो विभिन्न संगठनों के द्वारा होने वाले चरणबद्ध आंदोलन का जिम्मेवार सदर SDO व नगर आयुक्त मेदिनीनगर होंगे। सदर मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता विपिन बिहारी सिंह की एक खास रिपोर्ट। मंच के संस्थापक शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आप सभी को अवगत कराया है कि आज जिस कार्यक्रम को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये हफ्तों दिन पहले ये कार्यक्रम का आयोजन होना निश्चित हुआ था और ये तय हुआ था कि आज 26 नवंबर के दिन ही महाराजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर के प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत संविधान दिवस के अवसर पर विशाल जुलूस रैली का आयोजन किया जाएगा। और वही आयोजन को असफल करने के लिए कल रात्रि में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, पिछले हफ्तों में कई बार ये जब प्रतिमा स्थापित हुई जिसकी मांग वर्षों से लगातार की जा रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल के लोग आज तक महाराजा मेदिनी राय के वंशजों पर, नीलांबर पीताम्बर के वंशजों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक किया है और वोट लेने का काम किया है, लेकिन वर्षों से आज जान रहे हैं आप कि महाराजा मेदिनी राय के नाम पर ये मेदिनीनगर शहर बसाया गया, लेकिन एक भी प्रतिमा का इस शहर में नहीं होना कहीं ना कहीं हम सभी को अपमानित करने का काम किया गया है। आप सबको पता होगा इस पलामू के धरती पर मेदिनीनगर में आप जाके देख लीजिए, जिस तालाब में जिस स्थिति में नीलांबर पीताम्बर को रखा गया है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ की स्थल जो हम लोगों ने चयन किया था वो सुंदर था, पवित्र था, लेकिन यही के कुछ लोगों ने, यहाँ के राजनीतिक दल के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने और प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये सूचना भेज दिया गया कि ये कूड़े का ढेर में बैठाया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेदिनीनगर का कचहरी परिसर जहाँ पे न्याय होता है क्या वो कूड़े कचरे का जगह है? क्या कूड़े कचरे में कचहरी परिसर बसा हुआ है? तो फिर ये आरोप गलत है कि नहीं है? कहीं ना कहीं उनको ये खल रहा है, छलबली मची हुई है कि इस तरीके से जो वर्षों से लोग नहीं कर पाए, राजनीतिक दल के लोग, बड़े बड़े लोग, वो बहुजन संगठन के लोग, आदिवासी संगठन के लोग, हजारों लाखों रुपए लगा के प्रतिमा का आवरण की स्थापना किया, उसको कैसे विरोध किया जाए और इसको यहाँ से हटाया जाए। और इस षड्यंत्र में प्रशासनिक अधिकारी के अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये कल रात को कार्यक्रम किया गया है।
और ये लांछन लगाया जा रहा है कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, सामाजिक न्याय परिषद और झारखंड क्रांति मंच और भीम आर्मी के सहमति से हुआ है। ये कतई नहीं हुआ है, इसका हम लोग खंडन करते हैं जो पेपर वालों ने छापा है। हमारे पास देखे पत्र है, लेटर है, कहाँ है दिखाइए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक महाराजा मेदिनी राय नीलाम्बर पीताम्बर की प्रतिमा समरणालय में नहीं लग जाती है तब तक इस प्रतिमा को कोई छू तक नहीं सकता है, और धोखे में रख करके इस प्रतिमा को हटाया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज जो संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये कार्यक्रम को जो सफल कार्यक्रम होना था उसको असफल करने का प्रयास किया गया है, उन सभी अधिकारियों को ये चेता देना चाहते हैं कि आपके लाख मना करने के बाद, लाख अवरोध उत्पन्न करने के बाद भी अब हम रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। कहीं ना कहीं आप जो आदिवासी बहुल और बहुजन की जो एकता है वो जो बढ़ रही है उसको आप खंडन करने का कोशिश कर रहे हैं, ये कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए मैं नारों के साथ आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे, और हमारे बहुत से बहुजन समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग हैं, वो धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचेंगे, और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम का आगाज करके और यहाँ से हम लोग आज का जो कार्यक्रम का रूपरेखा है वह शहीद भगत सिंह चौक होते हुए, हम लोग शहीद समाज चौक होते हुए अम्बेडकर पार्क में जो बाबा साहब भीमराव की प्रतिमा है वहाँ पर मल्यार्पण करेंगे। इसके बाद छमुहान चौक पर ये सभा, ये जो रैली है वो सभा में तब्दील होगी। तो हम एक बार आप सभी से जोश और खरोश के साथ निवेदन करते हैं कि अपने हौसले को बुलंद रखिए। ऐसी कोई भी ताकतें, चाहे वो मनुवादी ताकतें हो चाहे प्रशासन हो, हमारी एकता को कभी तोड़ नहीं सकता है। तोड़ सकता है क्या? नहीं। महाराजा मेदिनी राय अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, नीलाम्बर पीताम्बर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, मनुवादी तख्त मुर्दाबाद, मनुवादी तख्त मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, सदर एस डी ओ होश में आओ, नगर निगम पदाधिकारी होश में आओ, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद। मैं कहूंगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा मेदिनी राय, नीलाम्बर पीताम्बर सहित तमाम महापुरुषों के चरणों में सत-सत नमन करते हुए मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से इस पलामू जिले के अंतर्गत हमारे यशस्वी राजा, प्रजा वत्सल राजा मेदिनी राय जी के प्रतिमा को इन्होंने जो ध्वस्त किया है, उस पर हम यही कहना चाहेंगे अपने नौजवानों के लिए कि ए बहुजनों सुन लो, अगर अपने महापुरुषों के अपमान के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर हल्लाहल नहीं होता है, कोलाहल नहीं होता है, तो समझो कि उस तन में खून नहीं पानी है। और एक बात याद रखना, अभी भी जग जाओ, और नहीं तो आप सबों का यह व्यर्थ जिंदगानी है, व्यर्थ जवानी है। तो इसलिए तमाम नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि अब चाहे जो कुछ भी, जब 80 वर्ष के बूढ़े इस बात को घोषणा करते हैं, इस बात को बुलंदी के साथ कहते हैं कि अब खैर नहीं है, अब हम बहुजन जाग चुके हैं, यहाँ के जितने भी मनुवादी प्रवृत्ति के, चाहे वो शासन हो या स्वर्ण समती सामंती ताकते हो, आप सबों के लिए खैर नहीं है, आप सतर्क हो जाए, अब बहुजन जाग चुका है। और आने वाला जो समय है, अगर मंगलवार से कार्यक्रम को नहीं शुरुआत किया जाता है, इस पर अगर प्रक्रिया में नहीं लगा जाता है, तो हम तमाम बहुजन के लोग जगह जगह पर जाम करेंगे और पूरे झारखंड को जो है हम जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद, जोहार, जय भीम। कहा गया है ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। इस बात को सही साबित करके दिखाया
आंबेडकर जी ने, जिन्होंने समता, न्याय, बंधुता और अखंडता को पूरे भारतवर्ष में एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके तमाम भारतीयों के मान और सम्मान को रक्षा किया और भारतीय संविधान बना करके विभिन्न वर्गों को कदम से कदम मिला करके इस भारत देश में स्वतंत्रता के साथ, बंधुता के साथ, न्याय के साथ, अखंडता के साथ चलने का अधिकार दिया। राजा मेदनिया राय जी की और नीलांबर पीताम्बर जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस मेदिनीनगर, इस पलामू जिला में डाल्टनगंज शहर को मेदनिया राय, राजा मेदनिया राय जी के नाम पे इस शहर का नाम रखा गया था। और आज बड़ी दुख की बात है कि कल रात में, आप समझिए, रात में कौन आता है? उनको दिन में इतना दम नहीं था कि उस मूर्ति पे हाथ भी लगाकर वो क्रोध भी करते थे। रात में सदर एसडीओ चुपके से जाकर मूर्ति को वहां से हटाते हैं और जो स्ट्रक्चर था हमारा उस पे बुलडोजर चला देते हैं। तो मैं और इस बहुजन समाज के लोगों के द्वारा मैं ये बात कहना चाहूंगा सदर एसडीओ को कि पूरे शहर में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। आपने उस मूर्ति को इसलिए सिर्फ बताया कि वो जगह को आपने क्या बोला? कूड़े का ढेर। मैं कहना चाहूंगा यहाँ के आसपास भी मुझे कूड़ा का ढेर ही दिख रहा है, तो यहाँ के सारे मूर्तियों को आपने सजा चाहा क्यों नहीं हटवाया? इसका जवाब भाइयों को जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुम लिए, आपने उनको कैद में रखने का काम किया है। एसडीओ साहब, यह पलामू है, निश्चित तौर पर आप दूसरे जिलों में, दूसरे अनुमंडल में रहे होंगे, लेकिन पलामू की जनता और पलामू के लोग बुजदिल नहीं है। अरे हम गोली खा लेंगे, हम लाठी खाएंगे, हम जेल जाएंगे, लेकिन महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा जो हमारे महाराजा थे मेदिनी राय जी, उनकी मूर्ति स्थापना नहीं करना कितनी दुख की बात, सदन की बात है। आज झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल पार कर गया, किसी को समझ में नहीं आया था क्या आज तक? वो किसी भी दल की पार्टी की बात मैं करता हूँ, वो कितने समाज सेवियों की बात करता हूँ जो नेतागिरी में उतरना चाहते हैं या उतर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा सब सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अपने पूर्वजों का कोई भी बात नहीं करेंगे। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। हमारा धरती है मेदिनीनगर और उनकी मूर्ति स्थापना नहीं होता है। मेदिनीनगर जो यहाँ का नगर निगम है, करोड़ों रुपया खर्च करती है सुंदरीकरण के नाम पर, रोड बनाएगी तो नदी किनारे सजाएगी तो क्या पार्क बनेगा, लेकिन जो हमारे महाराजा, जो है ना हमारे वीर सपूत नीलांबर पीताम्बर, हमारे लड़ाई लड़े हमारे लिए, इस धरती को बचाने के लिए, संवारने के लिए, उनकी मूर्ति को स्थापना नहीं करेगी। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो जानना चाहेंगे कि हम राजा खानदान से थे, हमको दबाने का प्रयास किया गया है वर्षों से, हजार साल पहले से भी, आज भी वही चीज़ हो रहा है, या इस बात को आपको समझना पड़ेगा। खासकर मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो आज का युवा पीढ़ी है, आपको समझना पड़ेगा कि आपका इतिहास क्या रहा है। कुछ लोगों ने कहा है, आपको समझना होगा कि किसी को खत्म करना है तो उसकी इतिहास को खत्म कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमारे इतिहास को दबाने और खत्म करने का प्रयास आज नहीं, हजार साल से चलता रहा है। इसीलिए आप सभी सजग हो जाइए और पढ़िए और लिखिए और आगे बढ़िए। सिर्फ अपने अपने समाज में, अपने अपने घर में खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम मैट्रिक पास किए, हम ईएड बीएड कर लिए, हम आईएएस बन गए, सिर्फ अपने बाल बच्चों को पोस रहे, वैसा जिंदगी कुत्ता भी जी लेता है, लेकिन कुत्ते की जिंदगी आपको नहीं जीना है। आप उस समाज से आते हैं जो समाज पूरी दुनिया को चलना, खाना पीना रहना सिखाता है। आप मूलवासी समाज से आते हैं तो आप समाज का जो अनुकरण करते हैं, आपके समाज को जो आपके रगों में खून दौड़ता है, उस खून को आपको याद करना है कि हम सभी सबों को जोड़ के चलते हैं, किसी को फटकार के नहीं चलते हैं। हमारा समाज मूलवासी समाज ऐसा समाज है। साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जब से संविधान लागू हुआ है,
तब से आज तक इस देश में जो वंचित समाज था, जिस समाज को जानवर से भी बदतर पानी नसीब नहीं होता था, जिस समाज को कपड़ा पहनने का, बोलने चलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब का जब संविधान बना तो इस समाज के लोग आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, कथाकार, पत्रकार, चित्रकार, इस देश का सीएम, इस देश का राष्ट्रपति जो बन रहे हैं, भारत के संविधान के चलते बन रहे हैं। इसलिए इस देश में जो तथाकथित लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उन लोगों के भारत का संविधान बच नहीं रहा है और लोग चाहते हैं कि भारत का संविधान जो है उस संविधान को खत्म किया जाए, उस संविधान को बदला जाए। यह बहुत ही घृणा की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराय का कहना है कि संविधान को बदल देंगे, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग, भारत के संविधान के मानने वाले लोग आज चुप नहीं बैठेंगे। लोग अपना सर कटा लेंगे, अपने सीनों पर गोली खा लेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान को अब मिटने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब के मानने वाले लोग आज पूरे देश में फैले हुए हैं। साथियों, जिस तरह से आज हरकत जो हुआ, संविधान आज दिवस जो हम लोग मनाने चले थे, हम लोग को तो लगा कि आज हम लोग काफी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मना के जाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के रवैया रहा है, इससे ज्यादा कुछ बोलना इसमें नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ का SDO जो है से पूर्वाग्रह से खुद ग्रसित है, ये बहाना बना रहा है किसी दबाव का, किसी राजनीति दबाव का, क्योंकि तुम क्या पढ़ लिख के आए हो, या हो सकता है कि तुम घूस दे के पढ़े हो, तुमको कानून का जानकारी नहीं है कि आज जो जिस राजा के नाम पर पूरे शहर जो है से यहाँ मेदिनी नगर बनाया गया, डाल्टन से मेदिनी नगर किया गया, और उसके उनके बारे में तुम्हारा कोई नॉलेज में नहीं है। इस तरह से जो जघन्य तुम अपराध किए हो, और तुम जानते हो कि आज संविधान दिवस है, और उसी संविधान के लेकर के, क्योंकि राजा मदनिया एक चेरो जाति से थे, और यहाँ के चेरो, हम लोग पलामू के चेरो सब आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी हरजन के लिए जो कानून हमको मिला है इसी संविधान में, तो इसका उपयोग करके हम यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर मंगलवार से तुम समय लिए हो, अगर मंगलवार से तुम प्रक्रिया में नहीं लगे इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रतिमा को स्थापित अपने से करेंगे, और तुम्हारे ऊपर जो भी हमको संविधान में अधिकार मिला है उसी के तहत तुम्हारे ऊपर हम FIR दर्ज करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, तुमको हम कभी बख्शेंगे नहीं। इसलिए भूल मत करना, राजा मदनिया का जो वंशज है, अब हम लोग जग चुके हैं, अपना लड़ाई हम लोग स्वयं लड़ के लेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे आदिवासी समाज, बहुजन समाज के अगवा साथी, आप सभी को हमारा क्रांतिकारी जोहार है, और आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा स्वाभिमान और अस्तित्व की बात है। जैसे कि कल शाम को हमें पता चला कि हमारे बुद्ध विचार के जो हमारे साथी हैं, हमारे रविपाल जी, अजय जी, और आदिवासी संगठन, आदिवासी महासभा, एवं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी क्रांतिकारी भाइयों ने जिस प्रकार से हमारे पलामू के वैभवशाली राजा रहे महाराजा मेदिनी राय जी, और हमारे शहीद स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही नीलांबर पीतांबर जी का आदमकद प्रतिमा लगाने का, इन लोगों ने जिस प्रकार से इतिहास को जीवित रखने का काम किया था। और हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मात्र 3 महीने में जो षड्यंत्र चल रहा है मेदिनी नगर में, हम आप लोगों को बता दें कि जड़ को खत्म करना होगा, और जड़ को खत्म करने वाला मात्र अप्रैल महीने में आने वाला चुनाव। वो संगी अभी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग को एकजुटता का परिचय देते हुए, पूरे तमाम 85% के परिचय देते हुए, आगामी लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग को भाजपा को इतना दूर भगाना है
कि तभी हमारा भारतीय संविधान सुरक्षित रहेगा। साथियों, कल जंगल जमीन के रास्ते चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे दलित हमारे महापुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे महापुरुषों के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, एक जगह प्रतिमा स्थापित हो रहा है तो वहां से नष्ट कर दिया जा रहा है, तो आपको उस पर नजर नहीं है तो फिर आप किस लिए कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है? मुख्यमंत्री जी ध्यान रखें, जिस प्रकार से आदिवासियों ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, अगर इस तरह के रवैये रहा तो आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी आदिवासी दलित समाज बहुजन समाज आपको काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।